भले ही तुमको मंत्र दूंगा जब स्नान करके आओ जात्र स्नान स्नान का मगरमच्छी आया जब मगरमच्छी को मारा वो अभिशाप से मगरमच्छ बना था अरे मगरमच्छी ने बताया देखो जो बीच में साधु है काल नहीं है ये तेरे को ठगने के लिए यहाँ पर राक्षस ने साधु जैसे बनाया वहां फंसना नहीं अरे हनुमान मारे उसको उसी तरह कभी कभी हमारे हृदय में अगर सद्भावना हो हृदय में अगर हमारी सद्भावना हो भगवान उसको सही साधु पर भेज देते हैं अगर हमारे हृदय में उल्टा पुलटा हो ना फिर तो उल्टा पुलटा साधु के पास भी भेज देते हैं तभी वो काल में कभी साधु ही बनकर काल में आ जाता है क्यों हमारे हृदय में सुख रूप में भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है तभी काल में जैसे हमारे पास में बनकर आ जाते हैं अगर हमारे हृदय में जैसे ध्रुव महाराज भजन किया प्रहलाद ने भजन किया कौन गुरु बन करके आए नारद बन करके आए वाल्मीकि ने भजन किया कौन गुरु बन करके आए नारद बन करके आए फिर उनको मंत्र दिया फिर भगवत प्राप्ति की अगर हमारे हृदय निष्कपट होगा ना अब पास में संत ही बन करके आए अगर हृदय में उल्टा पुलटा चीज हो कपट चीज हो फिर तो काल नहीं आएगा आपके पास में काल नहीं आएगा आपके हृदय की शुद्धता पर निर्भर करता है आपका हृदय कितने शुद्ध है आप कितने शुद्ध रूप में आप प्रभु को पाना चाहते हो आप प्रभु को पाना चाहते हैं ना और कोई चीज चाहते हो हृदय तो ठाकुर सब जानते हैं फिर ठाकुर जी आपने ऐसे ऐसे व्यक्ति को पास में ठाकुर जी भेज देते इसमें ठाकुर का दोष नहीं दोष हमारी है दोष उसमें हमारी है ठीक है ना इसलिए भगवान की भक्ति करो भगवान की भजन करो जीवन में शांति सुख मिलेगा भगवान की भक्ति से ही मिलेगा प्रभु की भजन से ही मिलेगा ठीक है और सबके सब भगवान की नाम जप करो ठाकुर जी की थोड़ी समय जैसे संसार के लिए समय सब समय देते हैं ठाकुर जी के लिए बड़ी समय दिया ठीक है ना ठाकुर जी के लिए सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय बैठ करके भगवान की माला लेकर के देखो इधर देखो मेरे तरफ देखो ये इसका नाम माला है माला मतलब क्या कि जो मन को विषय से खेच करके जो ठाकुर जी की चरण में दे दे इसलिए इसका नाम कहते हैं माला क्या कहते हैं इसका नाम ये माला है ये माला है इसका नाम इसलिए एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु थे कि भगवान है तब उनको भक्तों ने निमंत्रण दिया बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है तब उन्होंने बोले देखो सबके घर में हम खाना नहीं खाते हैं बोले किसको घर में खाना खाते हो बोले जो लखपति बनेगा जो लखपति बनेगा उसको घर में हम भोजन करते हैं आज से 5.5 साल पहले बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक मिले 100 रुपया मतलब उस समय लखपति मतलब जिस घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो उसको घर में आप भोजन करेंगे बोले प्रभु हमारे घर में तो 100 रुपया तक भी नहीं तो हमारे घर में भी आप भोजन नहीं करोगे फिर महाप्रभु बोले जानते हो असली लखपति कौन बोले कौन है बोले जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जब करते हैं वो असली लखपति इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली और जिन जिन ने ये मोती लूटे माल माल हुए और माया जारी एक कंगाल हुए अब देखो मेरे तरफ से अब लखपति कैसे बनोगे कुछ दिन पहले टीवी में आता ना कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन का आता ना कौन करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति अब देख लो अब लखपति कैसे बनते देख लो ये माला जैसे माला है ना इसमें जैसे इसमें हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल के इसमें एक मूर्ति सरस्वती हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखो एक लाख कैसे होता है जो 1 लाख हरि नाम करता है वो असली लखपति कैसे होता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कितना बड़ा हुआ 16 बार इसमें 108 मोती हैं जब एक माला यहाँ समाप्त हो जाता है इस माला इसको ऊपर में हाथ को पार नहीं करनी चाहिए उसको फिर ऐसे घुमा देनी चाहिए फिर दूसरे तरफ से करनी चाहिए अगर ऐसे 16 माला कर लिया ना हिसाब से होता है 25,000 अगर ऐसे 64 माला कर लिया हिसाब से होता है 1 लाख भगवान ठाकुर जी स्वयं कहते हैं तुमने 1 लाख माला नहीं किया बोले क्या किया बोले आज तुम्हारी नाम पर 1 लाख रुपया बैंक में फिक्स डिपोजिट हो गई ये ठाकुर स्वयं कहते हैं नाम पर बैंक फिक्स डिपोजिट हो गई क्यों नहीं निकला इसलिए फिर ब्याज कितना मिली वो जी है उसमें कुछ ब्याज तो मिलने चाहिए देखो सुना उसमें कुछ ब्याज तो मिलने चाहिए
कहते कितना ब्याज हम ले आते ये मीरा कहती है दीना दीना बड़ा तो सवाल आज अगर 1 लाख हरि नाम किया ना कल तुम बस 1.25 लाख मिलेगा फिर 4 दिन में 2 लाख डबल हो जाएगा 4 दिन में धन कितने डबल हो जाएगा इसलिए आप देखना मरते समय जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं आपने सुना है क्या बोलते हैं आप बोलो क्या सुना देखो जिस समय जाते सुन लो जब चार व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं वो बोलते राम नाम सत्य है गोपाल गोपाल नाम सत्य है सत्य बोलो कहते हैं सब कोई बात ये बोलते बेटा जितने तुमने राम का नाम लिया है कृष्ण का नाम लिया है केवल तेरे साथ में यही जा रहा है इसके सिवाय और जो कुछ किया है ना तुमने झूठे में बिताया है यहाँ से कुछ सुविधा का भी तेरे साथ नहीं जा रहा है जितने राम का कृष्ण का नाम लिया केवल वही तेरे साथ जा रहे हैं इसलिए मीरा कहती है जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए बोले कौन कौन मोती लूटे बोले तुलसी मीरा और नरसिंह देवी जी का नाम जगत में अमर बने हैं हनुमान का नाम सुने सुने हो सुने कि नहीं आप बताओ दिन भर क्या क्या करते थे हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं राम का नाम लेते थे यही करते हैं ना हाँ तो राम का नाम लेते हैं ना हनुमान जी इसलिए हम जाते हैं हनुमान जी के पास हनुमान जी हमारी ये इच्छा पूरी कर दो हनुमान जी घर में ये दिक्कत है हनुमान जी हमारी ये हमारी नौकरी लगा दो हमारी चाकरी करा दो क्या हनुमान ने कोई फैक्ट्री लगाया जाता हम किसके बल पर देते हैं गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरी पवन सुता पावन नाम आपन बस करे राखा क्यों हनुमान ने कितना पूजा करते बोले कारण है सुमिरी पवन सुता पावन नाम केवल भगवान की पवित्र राम नाम को गान करते हैं इसलिए हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं शंकर जी का नाम सुने शंकर जी के नाम सुने कि नहीं गोस्वाम जी कहते हैं जैसे शंकर जी के पास में जाते शंकर जी हमारे ये करते हो शंकर जी को फैक्ट्री लगा हुआ है गोस्वाम जी कहते हैं महामंत्र जय जप महेशा काशी मुक्ति हेतु उपदेशा दिन भर शंकर जी यही महामंत्र भगवान की नाम को जप करते हैं माता देवी का नाम सुने हो देखना 8 हाथ में एक माला अब देखोगे ब्रह्मा जी का 4 हाथ में एक माला देखोगे सरस्वती की 4 हाथ में एक माला देखोगे वो भी ठाकुर जी की माला जप करते हैं इसलिए इसका मतलब उसको समझो इसका मतलब है कि दुनिया में वही व्यक्ति उतना बड़ा है जगत में जो जितने भगवान का नाम जप करते हैं भगवान नाम जो जगत में जप करते उसको जगत में सर्वश्रेष्ठ बना देता है वाल्मीकि का नाम सुने कि नहीं ये पहले 10 रचना करता दुष्ट व्यक्ति था 10 उठाई है जब श्री नारद जी को साथ में मिले बोले बाबा निकालो क्या माल है बोले ये बताओ तुझे पाप कर्म करके कमाते हो ये पाप का फल कौन लेगा बोले मेरी बीवी लेगा मेरे बच्चे लेंगे मेरे पिता माता लेंगे बोले पूछ कर गया कौन लेगा तेरे पाप को वो गया अपना बीवी से पूछा बोले ये पाप करके पैसा कमाता हूँ तो पाप भागीदारी बनोगी बोले मैं क्यों बनूँ घर का काम मेरा बाहर का काम तेरा मेरे को कुछ बता नहीं पूछे बच्चों को मेरे पाप का कमाया हुआ बस के लोगों को बोले क्यों हम बच्चे अभी अब अगर करते हैं हमें बड़ा बना जब हम बड़े बनकर पैसा कमाएंगे हम सोचेंगे फिर पिता माता को पूछे बोले तेरे को इतना लिखा बड़ा सीखकर बड़ा किसी ने बनाया हमने कैसे पैसा कमा हमें पता तू कैसे कमाते हो हमें पता नहीं देखा भैया कहा तो सही कह रहे थे ये सब के सब सुख में दुख में कोई नहीं फिर रो रो करके आए बोले बाबा तो सही कह रहा था ये तो कोई भी पाप लेने के लिए तैयार नहीं बताओ मैं इतना जो पाप कर्म कमाया इसको क्या होगा बोले तेरे को भोगना पड़ेगा बोले कैसे मुक्ति मिलेगी बोले राम बोलो बोलो लेकिन वो इतना पापी था उसका मुंह से प्रभु का नाम ही नहीं निकला क्यों जो पापी व्यक्ति उसका मुंह में प्रभु का नाम नहीं निकलता दुनिया भर की बकबक 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 करते रहेगा लेकिन बोले थोड़ा प्रभु का नाम लो करेंगे तू पापी है ना प्रभु का नाम का नहीं निकलता पापी मुंह से बोले तू बोलता था मारो 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 बोलता था ना मारो मरा तो बोल सकते हो बोले हाँ इतना तो बोल सकते तब उन्होंने मरा मरा करते 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 कहते उल्टा नाम जब तक जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान रामायण देखे ना राम आने से पहले वाल्मीकि रामायण किसकी बल पर उन्होंने किया है प्रभु का नाम की बल प्रभु का नाम अगर आप भी प्रभु का नाम जप करोगे ना चमकाओगे
हर दुनिया भी चमचमा होगी, समझ रहे हो? इसलिए थोड़ी शरीर बैठ करके खड़े खड़े उसमें कोई पर खड़े खड़े होकर तो कर सकते हो, जहाँ पर खड़े रहते हो बड़े में खड़े रहते हो, कहाँ पर खड़े रहते हो? चारों तरफ अगर देवी की इतनी शक्ति है, राम नाम जो लेता है ना, वो कई कहानी है। वो जो जोगिंदर जाटक थे ना जाटक, उन्होंने खुद बताया था कि मेरे प्रभु ने मेरे को 19 गोली लगने के बावजूद भी मेरे प्रभु का नाम मेरे से निकल रहा था, अभी उसने मेरे को रक्षा किया। आने के बाद आज मैं उसी के नाम पर गर्व करके कहता हूँ मैं देश का शान हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे प्रभु राम मेरे साथ है। उसकी नहीं है वो टाइम था, उस टाइम का था वो।